हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। सुबह के बजे 7, बच्चों को स्कूल भेजने के बाद अभी मैं फिर से जा रही हूँ जिम में, और आज मैंने बनानी है बड़ी, जिसकी रेसिपी मैं ब्लॉग के द्वारा आपके साथ शेयर करूँगी। फ्रेंड्स, सुबह के बज चुके हैं 8 और जिम में छा चुका है सन्नाटा। अब जिम में आएंगे शाम को 4 बजे से। अब मैं जाती हूँ नीचे और घर का काम करते हैं। अंडोला जी सरास से घर आ गए हैं और पापा ने ये कट्टा भर के पता नहीं क्या क्या भेजा है इसमें। अब मम्मी उसको फाड़े, अब उसको देखते हैं हम क्या क्या भेजा है पापा ने। अभी मम्मी का फोन आया था जिम में कि दोनों बहनें बांट लेना, क्योंकि मेरी एक बहन यही दौलिया में रहती है, तो दोनों लड़कियों का हिस्सा करके ही भेजते हैं, वरना एक के लिए भेजेंगे दूसरी नाराज हो जाएगी। नहीं तो ये भेजी है भिंडी, ग्वार, ये भेजा है ग्वार, और हरी सब्जी भेजी है इतनी पन्नी भर के, आजकल वहाँ हरी सब्जी है। बहुत ही मेहनती है पापा, इतनी सब्जियाँ लगा रखी है उन्होंने। बैगन कहाँ गिर गई ना सब्जी की बाहर, ये बैगन हो रहे हैं हरे हरे, ये दोनों हिस्से बंटवारे वहीं से करके भेज रखे इन्होंने, एक बहन के लिए एक मेरे लिए। सुबह सुबह ही जमाई घर भाग के आ गए हैं, क्योंकि उनको पूजा करनी थी घर में, बिना पूजा करे उन्हें चैन नहीं मिलता है। ये एक छोटी छोटी लौकी लगी होगी, ये लौकी भी यहीं भेज दी उन्होंने। और सुबह 6 बजे उठ के वो आ गए हैं यहाँ, और ये है घर के अदरक और पिनालू, जडेरी, अरबी, इसके भी बंटवारे होंगे। अब ये देखो खेत की ताजा सब्जी, ये है हरी सब्जी लाई, आजकल तो लाई सबसे बढ़िया लगती है। ये ज्यादा वाला हिस्सा मेरा होगा, इसमें भिंडी और ग्वार है, कम वाला हिस्सा पूजा का होगा। मैं पहले ही सटर पटर कर देती हूँ यहाँ, और ये भिंडी खाली मजाक कर रही हो। पूजा के घर में तो खुद ही इतनी सब्जियां होती है। बैगन भी भेजे हुए हैं, कल वैसे ही मैं सब्जी लेके आई हूँ मंडी से, आज फिर सब्जियां आ गई है। अब मुझे लग रहा करवा चौथ तक सब्जी लेने की जरूरत ही नहीं है। पापा की मेहनत हल्दी चौड़ तक पहुंच चुकी है, इतनी ताजी ताजी हरी सब्जी उन्होंने तोड़ के भेजी है दोनों बहनों के लिए। एक लौकी भी पता नहीं कहाँ लगी थी, ये छोटी सी लौकी भी भेज दी। ये ग्वार लगाया है उन्होंने, तो ग्वार है ये, भिंडी भेजी है, इतने बढ़िया बैगन भेजे हैं, पूजा का हिस्सा अलग रख दिया गया है यहाँ पे। और आज बनेगी बड़ी, कल लेके आई थी मैं मार्केट से, और ये दाल पीस के यहाँ पर रख दी है। सो फ्रेंड्स, इतने सारे खीरा लिया है मैंने, 6 किलो खीरा है, उसमें 1 किलो उड़द की दाल भिगोई थी जो पीस के यहाँ पे रख दिया है। पापा आ गए हैं सत्संग से अपना ताम टोपड़ा लेके, फिनालू ससुराल से माइके से। अच्छा, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे है। माइके से सब्जियां आई है ये सारी, अच्छा। हरी सब्जी, बैगन, भिंडी, ग्वार, बहुत ही सब्जी भेज रही है। अच्छा, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आ गया साहब जी, साहब जी का मन नहीं लगा वहाँ ससुराल में, अपने ईजा बाबू की याद आ गई शायद, साहब जी घर पहुँच गए यहाँ रात में, गए सुबह सुबह 7 बजे यहाँ। खीरा को काट के उसके अंदर का मटेरियल निकालना है, और फिर छोटे छोटे टुकड़े करने हैं, और फिर ये वाला कद्दूकस लेके आई हूँ मैं अभी, इस कद्दूकस में इसे ये हो गया पानी पूरा कोरा जाएगा, बारीक वाले से अच्छी नहीं बनती। इससे पहले मैंने बारीक वाले से बनाई थी तो मेरी बड़ी सारी टाइट हो गई थी। ये हो गया नारियल, जोशी जी ने आधा गिलास नारियल का पानी निकाल दिया, ये इतना बड़ा नारियल और पानी निकल रहा है आधा गिलास, ये ठहरा ताकत आएगी घर के तो ला रखे ये। और ये सारे खीरे हम जोशी जी को देंगे, सारा भारी काम हम उनसे करवाते हैं, और हम बनाते हैं नाश्ता। कभी भी किसी की बुराई नहीं करनी चाहिए, मैं कब से चिल्ला रहा हूँ। अच्छा, कभी भी चाहे वो यहाँ है कहीं हो, उसकी बुराई मत करो, वो बात वहाँ तक आसानी से पहुँच जाती है बिना किसी प्रयास से। कभी न कभी ऐसी भूल हो जाएगी ना, पर्दाफाश खुद ही हो जाएगा।
इस बात को सोच लो, गांठ पाड़ लो, कभी भी किसी की बुराई नहीं करनी है, हमेशा दूसरे की अच्छाई करनी है, बड़ाई करनी है, बस हो गया यही। अच्छा आज नाश्ते में बन रही है मांस की रोटियां। फ्रेंड्स नाश्ते में बना है कुछ ये। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि ये इतनी मोटी मोटी और जली हुई रोटियां क्या बनाई है। ये है मांस की रोटी, क्योंकि हम बना रहे थे बड़ी और उसमें से कुछ दाल निकाल के मैंने बना दी यहाँ पे मांस की रोटी, जिनको बेड़ू रोटी भी कहते हैं, और बनाया है पहाड़ी रायता। और ये है घी, घी के साथ इसे हम खाएंगे। और ये रोटी मैंने वैसे अंडोला जी के लिए थाली लगाई थी, वो कहीं चले गए, तो एनू ने आज छुट्टी ली है, उसके पैर में चोट लग गई थी इसलिए एनू स्कूल नहीं गई। इसे मैं और अनाया खाएंगे। दादा तो खा पी, दादा खा पी के आ गए हैं दुकान से। हमारे घर में सब अपना अपना लगाया था। और दादी ये भिंडी की सब्जी, रायता, सब मिला के मांस की रोटी खा रही है। पापा नीचे गद्दा बैठे खाते हैं, मैं सोफे पर खाती, दादी डाइनिंग टेबल में खाती है। दादा दुकान में खाते हैं, सबके अड्डे अलग अलग हैं। यहाँ अनाया की फेवरेट है मांस की रोटी, अब देखते हैं कितना खाती है। मांस देखो, मैं रायता तो खाऊंगी नहीं, एक मांस की रोटी भी नहीं खाऊंगी। चल मेरे लिए बचा देना, मैं खा लूंगी। हाँ बहुत डाइटिंग करेगी, घी वाली मांस की रोटी खाने को अभी दो दो रोटियां सब खा जाएगी। जोशी जी ने पूरे खीरे कद्दूकस कर दिए यहाँ पे पूरी मेहनत के साथ। ये खीरा कद्दूकस करके ऐसे फिर ये निचोड़ने के लिए रखना है, फिर एक कपड़े में इसे निचोड़ा जाएगा। मैंने जब तक नाश्ता बनाया, जोशी जी ने पूरे खीरे कद्दूकस कर दिए यहाँ पे। खीरा यहाँ पे टाइट से निचोड़ दिया है, और इसके बाद इसमें डाला जाएगा हींग और अजवाइन, जिससे कि अच्छी खुशबू आएगी। और खीरा में ये मसाले हैं, और इसके बाद इसमें मिलाई जाएगी ये दाल। 6 किलो खीरा से इतना कम, देखो इतना कम निकला है खीरा, इतना ही निकला है। और मुझे तो लग रहा है दाल फिर भी इसमें ज्यादा हो जाएगी, क्योंकि खीरा कम निकला है। मम्मी ने बहुत बड़ी बनाई है बल अपने टाइम में, और अभी बड़ी बनानी छोड़ी नहीं है। फिर मांस की रोटी बनाने के लिए दाल बचा देते हैं, वरना हमारी बड़ी टाइट हो जाएगी, क्योंकि दाल बहुत ज्यादा हो गई है, खीरा बहुत कम निकला। 4 खीरे काटे और फिर भी इतना सा निकला है, 1 किलो 2 किलो भी नहीं निकला है। बहुत मेहनत का काम है बड़ी बनाना, और इसको अब खूब फेंटना है, ऐसे पूरा दाल और खीरे को मसलना है। बहुत देर तक इसको मसलना पड़ेगा, जब तक कि झाग जैसा ना निकलने लग जाए। पहले हम दाल बनाने, अदरक का डाल देता हूँ। और सामने में मेरा आंवले का अचार भी सूख रहा है, तैयार हो चुका है। और ये है हल्दी, इसको भी हम इसमें डालेंगे ताकि बड़ी में हमारे कीड़ा ना लगे। और इसमें अब जरा तगड़े वाले हाथ में मारती हूँ, ऐसे मिलाना है। सुपर वुमन बन गई है मम्मी। फेंटना पड़ेगा तब जाके। सारी मेहनत का काम इसमें जोशी जी ने करा, मम्मी ने करा दाल पीस के, लास्ट में ओवर एक्टिंग दिखाने के लिए मैं आ गई हूँ यहाँ पे बड़ी बनाने के लिए। मेरे को अच्छा अच्छा वाला काम चाहिए, और मैं लास्ट में यहाँ पे थोड़ा नौटंकी मारने आ गई हूँ। ये देख सकते हैं, अगर ये फैटी का प्रूफ ये है। एक गिलास में हमें पानी लेना है, पानी लेना है। अगर बड़ी ऊपर आ गई तो समझो हमने अच्छा फेटा है, ये पानी से ऊपर तैरने लग गई है। अगर अच्छा फेटा नहीं होता तो ये बड़ी हमारी नीचे चली जाती है, देखो ये बार बार ऊपर आ जा रही है। इसको निकाल दिया जाएगा। अब ये मसाला हमारा बड़ी बनाने के लिए बिल्कुल रेडी हो चुका है, और हमें यहाँ पे कोई भी प्लाई लेनी है या कुछ भी लेना है, उसमें भी आप बड़ी डालना चाहो तो उसमें हमें तेल लगा लेना है हल्का सा चारों तरफ से।
ये हमारी हर साल की बड़ी बनाने वाला ही लाई है। तेल लगा दे, हर साल हम इसमें ही बनाते हैं बड़ी भाई। अब हम बड़ी डालने के लिए बिल्कुल रेडी हो चुके हैं। आज मैं थोड़ा बड़ी बड़ी बनाऊंगी क्योंकि ये सूख जाती है। मेरे को ये किया कराया काम मिल चुका है और अब मैं फर्स्ट क्लास हल्का हल्का काम बैठ के अच्छा वाला काम मैं कर रही हूँ। मेहनत का काम जोशी जी और दादी ने कर दिया है। यहाँ ये मम्मी ने एक प्लेट ऑलरेडी बना कर रख दिया, दूसरी मम्मी की बनने वाली है, फिर मम्मी तीसरी बनाएंगी। बनाने में मेरे हाथ बढ़िया चल रहे हैं बस। बनाने और पकाने में खीरे को करने के लिए क्या बोलते हैं, खीरा कद्दूकस करने के लिए और दाल पीसने के लिए मेरे हाथ नहीं चल रहे थे। तब मम्मी बिजी थी, बिजी क्या थी, तब मम्मी मांस की रोटी बना रही थी। इतने बन रहे हैं अभी सूखने के बाद, फिर ये चूरे और ऑर्डर आ रहे हैं पूजा मौसी का कि हमारे लिए भी बना दे बस। तुम बड़ा क्यों बल मल के तुम बड़ा क्यों बल मल के बना दी है हमने, अब ये खत्म होने की कगार पे है। अब चाटी जो बनाओ तो चल रूप रहे जीप से चाट दे दे। अब जीप से चाट देती हूँ मैं इसको, फिर पोंछ पाछ के इसमें डाल देती हूँ। अच्छी अच्छी चाटी ऐसा बनाना है, वरना ये परात भी मैंने साफ कर दिया है। ऐसे ही अब खाने में जब ये स्वाद हो जाए तब है बात, खा ली है ऐसी चाटी ऐसी होने वाली चाहिए। तो दोस्तों ये बड़ी बनाने का कार्यक्रम यहाँ पर ख़त्म हो चुका है। ये तीसरी प्लेट में मैंने डाल दी है, इसके बाद इन्हें 3-4 दिन तक लगातार सुखाया जाएगा और उसके बाद मैं सोच रही हूँ एक बढ़िया सी रेसिपी आपको बताई जाएगी, इसको खाते कैसे और बनाते कैसे हैं। थोड़ा इंतज़ार कीजिए, पहले मैं इन्हें सूखने देती हूँ। मम्मी ने आंवले का अचार बना दिया है अपना, मम्मी अब गार्डन की ओर को जा रही हैं। गार्डन की ओर में जा रही हूँ मैं, ये हमारा कैंडी महाराज देख लो। आज तो धो रखा है शायद से, नहा रखा ना इसने, साफ लग रहा है। जैसे सुखाते हैं 6 किलो खीरे से इतनी बड़ी बनी है और ये सूख के इतनी ही हो जाएंगी बस। ये बड़ी बनी है मेरी। अंडोला जी ने यहाँ पे फिर से आसन बांध दिया है और आज खाई जा रही है घी रायता और मांस की रोटी। कैसी हो रही मांस की रोटी? तो खत्म हो गई, बहुत बढ़िया। अच्छी हो रही थी? पहले मैं एक बार थाली सजा के लाई, फिर वो एनुरु ने खा दी। अंडोला जी की फेवरेट है मांस की रोटियाँ। और जब भी हमारे वहाँ कोई बड़ी बड़ी बनती है, कुछ भी बनती है, तो उनके लिए थोड़ा दाल निकाल के मांस की रोटी बनाई जाती है। कैंडी को देख रहे हैं, उसकी पागलपंती। मम्मी यहाँ पे अब सफाई कर रही है टेबल की। ये क्या है मम्मी? कल मैं हल्द्वानी से ये लाई हूँ अपने सेंटर टेबल के लिए, क्योंकि तुम बच्चे इसमें खाना वाना गिरा दे रहे हो। कैसा लग रहा है? बढ़िया। यहाँ पे मम्मी ने बिल्कुल सफाई कर दी है। तुम लोग गंदगी फैलाते हो ना, अब तुम लोग बस से बचाओ के लिए मैंने, ताकि मुझे रोज रोज। मैं यहाँ पे पापा के झाड़ू के कपड़े निकाल रही है। आज सारे झाड़ू के बास्केट निकाल रही हूँ, प्रेस करवाने के लिए देती हूँ इनको यार। 3 दिन से कह दिया तेरे पापा ने, अब ये चाहेगा कैसे? मेरे तो पैर पे लगी है, मैं उठ के आ नहीं सकती हूँ। सारे घर में कपड़े निकाल देती हूँ। हाँ पे मम्मी बोझा ले के आ गई है। रोज रोज का लड़ाई झगड़ा ही खत्म। मेरी जान खा रखी है, मेरे वास्कट निकाल, वास्कट निकाल, ये तेरे वास्कट, ये वास्कट है। अब उनका मन है कि वो टी शर्ट पहनेंगे, फिर बाहर से ऐसे पहनेंगे और तसन दिखाएंगे। अब इनको धुलवा धुलो के प्रेस करवाने दे देती हूँ। सेंटा क्लॉस इज कमिंग अलोन राइडिंग ऑन द वे। सब्जी लेने के लिए आ गई है कुछ ब्लॉग मुझे, वहां से सब्जी लेने आ गई है। इसके हिस्से बंटवारे सब कर रखे हैं सुबह से ही।
देखो मायके की सब्जी का लालच ये होता है। पूजा मौसी करवा चौथ की शॉपिंग करने के लिए आई है यहाँ, और चूड़ी तो मिली नहीं, अब चूड़ी के लिए कल और फिर आना पड़ेगा, कल मेहंदी लगाने आना, पूर्वा लगाएगी। और ये है पूजा मौसी की सब्जियाँ मायके से लाई हुई। मैं सब्जियाँ लेने आई हूँ, शॉपिंग करने नहीं आई हूँ, मायके से सब्जी आई थी उसी को लेने आई हूँ। अच्छा, इसमें तो मैंने अच्छा अच्छा सामान ज्यादा ज्यादा मैंने रख लिया। फिर मम्मी और पापा का प्यार, ये पूरा मायके का माल देख दे दिया है, देख लो, चीटिंग नहीं करी है मैंने। बाय अंशु, कल आना, अब तू ही आना। दिन का खाना रेडी हो चुका है, आज मम्मी ने बनाई है पीली वाली अरहर मक्की की दाल, चावल, भिंडी की सब्जी और एक पराठा। मैं सबसे देख कर खा रही हूँ और सब लोगों ने खा लिया है, क्योंकि मैं कुछ काम कर रही थी और एक गधा के साथ यहाँ पर बैठा हुआ है, इसका और कोई काम नहीं रहता है। खा लेते हैं। तैयारी, देखो आलू के पराठे और मांस की रोटी बनानी है, उसका पर्सनल ऑर्डर था, तुम सब ने खाई, मेरे लिए भी बनाई। अंडोलाजी का ऑर्डर है ये चिकन का, देखो बस अंडोलाजी चिकन खाते थे, उनके लिए फर्स्ट क्लास चिकन बनाया है। ये बनी है मायके की बैगन की सब्जी और ये बनी है हरी सब्जी। ये मेरे मायके वाली नहीं है, ये मैं हल्द्वानी से लेके आई थी, कुछ अलग ही नाम है इस सब्जी का। लगा लो मैं किचन में खाना ही बनाते रहती हूँ, बस इतने सारे आइटम मुझे बनाने हैं शाम को, फटाफट अभी भी खाना दो हो रही है। मेरे दोस्तों लोग कहते तो करती क्या है भाई, मैं खाना ही बनाते रहती हूँ, इतने सारे आइटम बनाने पड़ते हैं मुझे, डेली के दो दो तीन तीन हमारी सब्जियाँ बनती हैं। अब मुझे फटाफट खाना दे कह रहे तो देना है मुझे उनको, अब मैं खाती नहीं हूँ लेकिन मुझे बनाना पड़ता है। एनू भी नहीं खाती, दक्षु भी नहीं खाते, पूर्वा और उसके पापा खाते हैं बस। दिखने में तो अच्छा लग रहा है, मैंने एक साल से चिकन छोड़ दिया है, मैं नहीं खाती हूँ। फटाफट पहले मैं अंडोला जी को दे देती हूँ भाई, नहीं तो मेरी शामत आ जाएगी घर के हेड को। सबसे पहले खिलाते हैं भाई, उन्होंने यहाँ पर आसन बांध दिया है आसन वालों को, अब फटाफट रोटी ला रही हूँ मैं, ठीक है फ्रेंड्स। देख सकते हैं कितनी बढ़िया मेरी मांस की रोटी पूरी हुई है, ये बेड़ुआ फूल के इतना बड़ा हो गया है, ये दक्षु के लिए बन रहे हैं स्पेशल। बहुत लोगों को मांस की रोटी बनानी नहीं आती है, तो उसको मैं एक सीक्रेट बताने वाली हूँ। जब भी आप उड़द की दाल को पीसोगे उसमें लहसुन और मिर्च जरूर पीसना, और जो भी ये हमारा बैटर होता है ना, इसको घी में आप पहले भून लेना और सारे मसाले मिला लेना। घी में भून के जो भी हमारी दाल आप पीसोगे, घी में भून के उसमें सारे मसाले नमक सब कुछ मिला लेना, तो ये हार्ड बन जाता है। उसके बाद आसानी से हम इसे बेल भी सकते हैं, ना ये फटते हैं, ना हमारा जो ये भी दाल है हमारी बाहर भी नहीं निकलेगी, ना ये फटेगा। बहुत अच्छी ट्रिक है, एक बार आजमाना। और हमें रोटी ज़्यादा पकाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि भूनने के बाद आधी दाल हमारी पक चुकी होती है। ये देखो इतनी आसानी से बेल जा रही है, वरना बहुत मुश्किल होती है मांस की रोटी बनाना। ये दक्षु के लिए बन रहे हैं, क्योंकि दक्षु ना हरी सब्जी खाता है, ना बैगन की सब्जी खाता है, ना चिकन खाता है। हमारे घर में एनु और दक्षु के सबसे ज़्यादा नाटक हैं, बाकी में घर वाले तो सब कुछ खा लेते हैं, लेकिन एनु और दक्षु हमारे बहुत नाटकबाज हैं, वो कुछ नहीं खाते। एनु के लिए बनाए हैं ये आलू के पराठे, अब क्या ही बनाऊँ इतनी जल्दी में, तीन चार सब्जी तो मैं बना नहीं सकती थी, तीन तो मैंने पहले से ही बनाई थी। ये देखो इतनी बढ़िया रोटी फूल रही है ये, और खाने में भी बहुत टेस्टी होती है, देखो इतनी बढ़िया मांस की रोटी फूल रही है, चूल्हे में भी इतनी बढ़िया नहीं फूलती है, और हमारे यहाँ तो सबको पसंद आते हैं। पूर्वा बोल रही है आज मम्मी तुमने बहुत ज़्यादा खाना बना दिया है, इसलिए बर्तन धो देती हूँ। वैसे तो ये रोज ही धोती है, लेकिन पूर्वा ने आधे से ज़्यादा बर्तन धो दिए हैं यहाँ पर। बाकी दक्षु मेनू के लिए खाना रेडी है, वो मैंने रख दिया, क्योंकि अभी वो पढ़ाई करने के लिए गए हैं, 9 बजे आएंगे, उसके बाद ही वो खाना खाएंगे। फ्रेंड्स सबको खाना खिला दिया है, मम्मी जी, पापा जी, अंडोला जी, पूर्वा जी, और पूर्वा जी तो मेरी हेल्प भी करने लग गई, उसने बहुत ज़्यादा बर्तन धो दिए हैं अभी शाम के। आज बर्तन भी कुछ ज़्यादा ही हुए थे, खाना भी कुछ ज़्यादा ही बना था। और अनाया और दक्षु घर के दो शैतान हैं हमारे, जिन्हें कुछ भी पसंद नहीं आता है, और वो गए अभी ट्यूशन,
सात बजे जाते हैं, नौ बजे आते हैं, मैं अनाया दक्षु हम तीनों बाद में खाएंगे। वीडियो का एंड यहीं पर करती हूँ। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलती हूँ कल नए ब्लॉग के साथ, नई यादों के साथ, क्योंकि परसों है करवा चौथ, कल मुझे लगानी है मेहंदी और हमारी पुरवा बेटी मेहंदी लगाएगी, जो कि बहुत अच्छी आर्टिस्ट है, बहुत अच्छी ड्राइंग करती है और मेरी मेहंदी भी बहुत अच्छी लगाती है। तब तक के लिए बाय, गुड नाइट। के दांत में सारे चिकन के रेसे फंस चुके हैं, 50 बार तो ब्रश कर दिया उन्होंने लेकिन फिर भी वो नहीं निकल रहे हैं, शीशे के ही आगे चिपके पड़े हैं आधे घंटे से, और मैं यहाँ किचन से उन्हें देख रही हूँ।